Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Satyo. I am Mrs. Anila Imran, and you are watching UV Educational Center. आज हम यूवी एजुकेशनल में आपके लिए जो लेसन लेकर आए हैं वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड है. इंग्लिश लिटरेचर जो हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का है, इससे पहले भी हम दो पोइम्स अपलोड कर चुके हैं. आप हमारे मुकम्मल कंप्लीट सेट देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का विज़िट करें. प्लेलिस्ट में आपको ये सारे लेसन्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे. और हमारे जो फ्रेंड्स लेसन्स की सीक्वेंस नहीं देख पाते उन्हें वीडियोस पर, तो वो प्लेलिस्ट उनके लिए बहुत आसान हो जाती है. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. हमारा पेज फेसबुक पर है यूवी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक सेंटर, उसको ज्वाइन करें. आज की पोइम जो है ये एक्लीजियास्टिक्स से ली गई है. उसकी 3 लाइन 1 लाइन 12 लाइन्स ये डिफरेंट लाइन्स हैं. ये जो एक्लीजियास्टिक्स है ये हज़रत सलमान की जामिया किताब है, जैसे समझ लें बाइबल का वर्जन है. उसमें जो इन्होंने एडिशन्स किए हुए हैं ये उनमें से ली गई लाइनें हैं. ये लाइनें जो हैं इनमें हमें ये बताया जाता है कि जनाब इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और उन्हीं असूलों पर चलता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए सेट कर रखे हैं. दिस पोएम डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ नेचर एंड दीज लाइन्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम बाइबल्स. दीज लाइन्स आर इम्पोर्टेंट एंड दीज लाइन्स कैन बी सी इन डिफरेंट व्यूज लाइक इश्यूज़ ऑफ फेट. हम इसमें देखते हैं हमारी किस्मत के कुछ मसाइल होते हैं. ये पोइम जो है ये डेडेक्टिक है, डेडेक्टिक है. अब अगर देखा जाए तो इसमें जैक्सटपोजिशन भी यूज़ हुई है, यानी ओपोजिट अल्फाज यूज़ हुए हैं और कंट्रास्ट यूज़ किए गए हैं. पैराडॉक्सिस भी यूज़ किए गए हैं. पैराडॉक्स बातें तो सच्ची होती हैं लेकिन वो ढके छुपे अल्फाज में कही जाती हैं. पोइम अनराइम्ड है, कोई इसमें राइम स्कीम नहीं आपको मिलेगी जो हम पोइम स्टडी करेंगे. इसके आइडियाज़ जो हैं वो हैं प्री डिस्टिनेशन के, जिसका मतलब होता है गॉड होल्ड्स द स्ट्रिंग एंड मैन इज जस्ट अ पपेट. अल्लाह ताला के हाथों में ही तमाम इंसानों की डोर है. एंड दिस वर्ल्ड इज़ द शेडो ऑफ द रियल वर्ल्ड. ये इमिटेशन की थ्योरी, जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको निकलती है, अरिस्टोटल की थ्योरी बन जाती है कि असली दुनिया ऊपर है, हेवंस में है, आसमानों में है, और ये ज़मीन पर उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक शेडो है और हम इस शेडो में ज़िंदगी गुजार रहे हैं. असली इस दुनिया में हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे क्योंकि असली दुनिया लोहे महफूज में है और हम जिस दुनिया में हैं वो एक शेडो वर्ल्ड है. पोइम है हमारी टाइम्स. टाइम्स का मतलब होता है औकात. औकात जो है वो वक्त की जमा है. टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न, हर एक की चीज़ के लिए यहाँ मौसम है. क्योंकि मौसम अगर अंदाज़ा करें तो गर्मी, सर्दी, बुखार, खजा, ये सारे मौसम हैं. एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, और वक्त मुकर्रर है किसी मकसद के लिए हमारी इस ज़मीन पर. आसमानों तले, आसमानों तले हर चीज़ का वक्त मुअय्यन है, हर चीज़ का वक्त तय है. टाइम टू बी बॉर्न, एक ही वक्त है जिस वक्त इंसान ने पैदा होना है उसी वक्त उसने पैदा होना है. एंड अ टाइम टू डाई, और एक ही वक्त मुकर्रर है मौत का, यानी हम कहते हैं ना भी पैदा होने का और मौत का एक दिन मुकर्रर है. ये राइटर और ये इसमें जो बाइबल में भी वही पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं. अ टाइम टू प्लांट, एक ही वक्त है कि जब हम किसी पौधे को बोते हैं. एंड अ टाइम टू प्लक अप, और एक ही वक्त है कि उसमें से तोड़ा जाता है डैट विच इज़ प्लांटेड, जो कि प्लांट हो चुका है. अब ये कहते हैं ना इंसान जो बोएगा वही काटेगा, यहाँ बताना ये चाह रही है कि एक वक्त होता है जब हम बोते हैं. अगर हम जवानी में अच्छे अमाल बो लेते हैं तो बुढ़ापे में अच्छे अमाल काटते हैं. अ टाइम टू ब्रेक डाउन, एक ही टाइम है जैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, अपना ताल्लुक तोड़ते हैं, या एक वक्त मुकर्रर होता है जब कहते भी उनकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, अभी उनकी लड़ाई हो गई, ये हुआ, तो ब्रेक डाउन हो गया. और अ टाइम टू बिल्ड अप, और एक वक्त होता है जब हम रिश्तों में इस्तवार करते हैं, ताल्लुकात बिल्ड अप करते हैं, कायम करते हैं. एक टाइम होता है तो टूटने का, एक टाइम होता है कायम होने का. अ टाइम टू वेक, एक वक्त है रोने का. एंड अ टाइम टू डांस, और एक वक्त है डांस का. अ टाइम टू कास्ट अवे स्टॉर्म, कास्ट अवे का मतलब होता है दूर फेंकना. एक वक्त होता है कि पत्थर जो हैं वो दूर फेंके जाते हैं. स्टोन के साथ एस है तो इट्स मीन मोर देन
वन एंड आ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, एक ही वक्त होता है सारे पत्थरों को इकट्ठा करने का। अगर इनके हिडन मीनिंग्स में जाएं तो सख्तियां दूर होती हैं, सख्तियां आती हैं, ये उस तरह से भी हमारे निकलते हैं। इंसान खुशी में डांस करता है, झूमता है, और गम में परेशान होता है, रोता है। अ टाइम टू अम्बेरस, एक टाइम होता है जब हम एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ईद का वक़्त होता था तो हम एक दूसरे से गले लगते थे, मिलते थे। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्बेरसिंग, और एक वक़्त है कि परहेज करते हैं गले लगने से भी। जैसे आजकल अगर हम इस वायरस की टेंशन में हैं तो आजकल तो परहेज कर रहे हैं ना, रिफ्रेन हो रहा है फ्रॉम एम्बेरसिंग, गले लगने से भी परहेज किया जा रहा है। यानी बाज़ुकात हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो गले लगते हैं, अच्छे ताल्लुकात नहीं होते तो फिर जनाब हमारी परहेज वाली सूरत हाल होती है, हम देखना भी मुनासिब नहीं करते। अ टाइम टू गेट, एक वक्त होता है कि हम हासिल कर लेते हैं। एंड अ टाइम टू लूज, और एक वक्त होता है कि हम खो देते हैं। एक वक्त में हमें कोई चीज़ मिलती है और एक वक्त में वो चीज़ हमसे छीन जाती है, या ऐसा होता है कि एक वक्त में हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हम उन्हें कहते हैं हमने कभी नहीं इन चीज़ों को छोड़ना, लेकिन जब वक्त चेंज हो जाता है, जब हमारे हालात चेंज हो जाते हैं, उम्र चेंज हो जाती है, वही चीज़ें हमें बुरी लगने लगती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं कि अब ये जाएं और इसकी जगह कोई और नई चीज़ आए। ये टाइम टू कीप, ये इसका बनता है स्टेंजा, कि हम एक चीज़ें अच्छी लगती हैं हम उन्हें रखते हैं। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और फिर वो चीज़ें हम दूर फेंक देते हैं जब हमारा उन चीज़ों से दिल भर जाता है। एक टाइम होता है हम हासिल करते हैं, एक टाइम होता है हम खो देते हैं, एक टाइम होता है हम रखते हैं, और एक टाइम होता है हम चीज़ों को दूर फेंक देते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती है। अ टाइम टू रेंड, रेंड होता है फाड़ना, जैसे जल्दी से किसी चीज़ को अलग कर देना, किसी कपड़े को फाड़ देना। एक टाइम होता है कि हम चीर फाड़ कर देते हैं कपड़ों को, पुराने हो जाते हैं, फाड़ के डस्टर बना लेते हैं, उनकी डिफरेंट और शेप्स ले आते हैं। एंड अ टाइम टू स्वीप स्यू, और एक टाइम होता है कि हम सिलाई करते हैं, नया कपड़ा होता है तो सिलाई करते हैं, और जब वो हम उससे उतार जाते हैं, भर जाते हैं, तो हम उसको फाड़ भी देते हैं, रेंड होते हैं फाड़ना। अ टाइम टू कीप साइलेंस, एक वक्त होता है कि जी खामोश रहें। एंड अ टाइम टू स्पीक, और एक वक्त होता है कि हम बोलें। एक्सक्यूज मी, ये हमने बताया फ्रॉम एक्लेसियास्टिस से ये लाइंस ली गई थी, और ये एक किताब है जो हज़रत सुलेमान की जामे किताब थी, और आजकल ये लाइंस बाइबल में भी पाई जाती हैं। थीम इस पोइम का क्या है, अगर हम थीम देखते हैं तो इट इज़ ट्रू, ये सच है, डेट एवरीथिंग हैपन्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, हर चीज़ अपने मुकर्रर वक्त पर वाकया होती है, हैपन्स होता है वाकया होना, और अप्रोप्रिएट मुनासिब मुकर्रर वक्त पर। देयर इज़ अ टाइम, यहाँ एक वक्त है, व्हेन विंटर सेट्स, जब सर्दियाँ आती हैं, ए सेट्स इन, सर्दी आती है। एंड अ टाइम व्हेन विंटर इज़ गॉन, और एक वक्त आता है जब सर्दी चली जाती है, यानी सर्दी अगर यहाँ हम इसे सिम्बोलिज्म ले तो एक वक्त आता है जब हम हमारे काम कुछ ठंडे पड़ जाते हैं, हमारी काम में गर्मजोशी नहीं रहती, लेकिन एक वक्त आता है कि वो गर्मजोशी दोबारा हासिल की जाती है जब ये सर्द महरी चली जाती है, सर्दी चली जाती है। एंड अनदर सीजन सेट्स इन, और दूसरा सीजन आ जाता है, जैसे अगर आजकल लॉकडाउन है तो विंटर जैसा ही माहौल है, हर तरफ सर्द महरी छाई है, लेकिन जब ये विंटर वाला माहौल चला जाएगा तो हमारा दूसरा सीजन सेट्स इन हो जाएगा, फिर सब बिजी हो जाएंगे, सब मसरूफ हो जाएंगे। नोबडी इज़ बॉर्न फॉर टाइम, हाँ बिफोर टाइम, कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो वक्त से पहले पैदा हुआ, नॉर डाइज बिफोर टाइम, वो कहते हैं ना वक्त आ गया था जनाब इनका, तो यही बात है कि कोई शख्स ऐसा नहीं जो वक्त से पहले मरता है। यहाँ एस लगा हुआ है डाइज के साथ, तो ये हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट शो कर रहा है, जैसे हैपन्स के साथ एस लगा था। देर इज़ अ टाइम, एक वक्त है टू सो, कि हम बोते हैं किसको, सीड्स, बीज बोते हैं। एंड अ टाइम, और एक वक्त है होता है व्हेन देयर फ्रूट्स, जब उनके फल, एक से ज़्यादा फल हैं, एस लगा हुआ है, आर राइप, पक जाते हैं, टू बी प्लक्ड, के अब उन्हें तोड़ लिया जाए। एक वक्त होता है बीज बोया जाता है, एक वक्त होता है बीज को काट लिया जाता है, बोए हुए बीज को तोड़ लिया जाता है। द पोइट सेज, शायर कहता है, सेज के साथ एस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात हो गई, डेट नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स, कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में वाकिया होती है आउट ऑफ प्लेस, वो अपनी जगह से अलग नहीं होती, कोई जो चीज़ इस दुनिया में होती है वो अपने वक्त से पहले नहीं होती, एवरीथिंग इज स्केजुअल, एवरीथिंग इज स्केजुअल्ड, हर चीज़ जो है उसको एक टाइम टेबल दे दिया गया है, उसको एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम, एक खास वक्त के मुताबिक, एक खास वक्त के मुताबिक इन सब को तय कर लिया गया है। एक्सप्लेन द मैसेजेस, मैसेज बताएं जनाब, द फर्स्ट एट लाइंस ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, ये हमने जो लाइन पढ़ी हैं, इनकी जो पहली लाइंस हैं उनमें हमने मैसेज बताना है,
और मैसेज हमारा क्या है, शायर ने वही बताया है कि मौसम आते हैं मौसम जाते हैं, इंसान का इस आसमान के आसमान तले मकसद है, और इंसान पैदा होता है मरता है, इंसान के जो है पौधे लगाए जाते हैं और पौधे वक़्त से पहले फल नहीं देते और वक़्त से पहले फल तोड़े भी नहीं जाते हैं, और रिश्ते टूटते हैं और फिर रिश्ते बनते हैं, इंसान रोता है फिर हंसता है डांस करता है, पत्थर जो है वो फेंके जाते हैं और फिर पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है। अगर हम इनमें देखें तो ये हमारे ये वाले मीनिंग्स निकलते हैं इसके पहली 8 लाइंस में। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द लाइंस चैलेंज। अब यहाँ रीडिंग करेंगे और इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अ टाइम टू बी बोर्न, बोर्न का ऑपोजिट क्या है, बोर्न का ऑपोजिट आएगा डाई। अ टाइम टू बी बोर्न के बाद उन्होंने पूछा एंड अ टाइम टू डाई। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, एक टाइम जो है वो ब्रेक डाउन करने का है। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, उसका ऑपोजिट डाउन, डाउन अप और ब्रेक और बिल्ड। अ टाइम टू लाफ, एक टाइम है हंसने का। एंड अ टाइम टू वीप, लाफ का हम यहाँ लगाते हैं वीप, अदरवाइज ये लाइन स्टैंजा में नहीं है, ये मे बी उन्होंने एक्स्ट्रा लाइन लगाई है, लेकिन वीप का लाफ वीप, हंसना रोना। अ टाइम टू गेट, एक टाइम है हासिल करने का। अ टाइम टू लूज, एक टाइम है खो देने का। टाइम टू कीप साइलेंस, एक टाइम है खामोशी रखने का। एंड अ टाइम टू स्पीक, और एक वक्त आता है कि इंसान बोलता है। साइलेंस इज एम एटोनियम, एटोनियम ऑफ स्पीच, देखें साइलेंस एंड स्पीच, साइलेंस एंड स्पीच ऑपोजिट है ना, खामोशी और बोलना। राइट डाउन एटोनियम्स, एटोनियम्स लिखे जनाब, ये ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जी, आपने बताने हैं। बोर्न का ऑपोजिट वर्ड क्या है, डाई। एंड अगर हम नंबर टू पर जाएं, हेवन का ऑपोजिट क्या है, हेवन होती है आसमान, तो अर्थ इसका ऑपोजिट हो गया लिव, लिव हो गया तो इसका मतलब है जिंदगी, जिंदा रहना। इसके ऑपोजिट में जाएं तो डेथ, लूज गेट, वीप लाफ, ब्रेक बिल्ड। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोइम्स की होनी चाहिए जनाब, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपने बतानी है कि इस पोइम में राइटर ने क्या बताना चाहा है। ये क्वेश्चंस इस पोइम के निकाले हैं, इन क्वेश्चंस से आपको आइडिया देना चाहते हैं कि राइटर ने इन पोइम्स में मजीद क्या कहने की कोशिश की है। देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंजा, डू वी थ्रो अवे थिंग्स वी कीप, क्या वाकई हम कुछ चीज़ें जो रखते हैं उन्हें फेंक देते हैं। द पोएट सेज, शायर कहता है, डेट टाइम डिटरमाइंस, ये वक्त ही तय करता है, एंड ऑलमोस्ट डिक्टेट्स, और वक्त ही हमें इस चीज़ को हुक्म भी देता है, और एक्शंस हमारे, एक्शंस हमारे अमाल एंड बिहेवियर्स, और हमारे रवैयों का, यानी वक्त के मुताबिक हमारे बिहेवियर हमारे एक्शंस चेंज होते हैं। इवन वी लुक एट थिंग्स, हम चीज़ों को देखते हैं, थिंग्स के साथ ऐसे यानी मोर देन वन, इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ अंदाज़ से, एज टाइम पैसेज, जो ही वक्त गुजरता है, पासिस बाय, वक्त गुजरता जाता है, हम चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। सो सर्टन थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एट अ टाइम, एक वक्त में वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, वी कीप दैम, और हम उन्हें रख लेते हैं। लेटर बाद में दे लूज देयर फैसिनेशन, फैसिनेशन होता है दिल को मोह लेना, बाद में वो हमारा दिल जो मोती है ना, वो वाली वो दिल मोह लेने वाली उनकी वो सारी फिनिश हो जाती है अट्रैक्शन। And we rid of them, और हम उनसे निजात हासिल करते हैं, in favor of something newer and better, और किसके लिए हम चाहते हैं भाई, हमें इससे भी कोई ज़्यादा नई चीज़ मिले और बेहतर चीज़ मिले। ये इंसान की साइकी है, बचपन में इंसान को खिलौने अच्छे लगते हैं, बड़े होकर उसे खिलौने अच्छे नहीं लगते, बचपन में उसे जो टॉय कार अच्छी लगती है, बड़े होकर वह कहते हैं उसे असली कार मिलनी चाहिए। ये सारी हमारी जो सिचुएशन है चेंज होती है वक्त के गुजरने के साथ। What is the philosophy? फिलोसफी क्या है बिहाइंड कीपिंग एंड कास्टिंग अवे थिंग्स। अब जनाब इसमें क्या फलसफा जा रहा है शायर ने या राइटर ने क्या फलसफा बताया है। देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच टू कीपिंग, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अप्रोच उसने दिखाई है, पहुँच अपनी दिखाई है कि रखते हैं एंड कास्टिंग अवे फिर फेंक देते हैं थिंग्स, चीज़ों को। वी कैन बेनिफिट फ्रॉम थिंग्स एज लॉन्ग एज वी आर डिस्टाइंड टू, हम जब तक उनके साथ डिस्टर्न्ड होते हैं, जब तक उनके साथ जुड़े होते हैं, जब तक उनके साथ पाबंद होते हैं, हम उन चीज़ों से फ़ायदे लेते हैं। व्हेन गॉड डिक्रीज अबाउट इट टू चेंज हैंड्स, जब अल्लाह ताला फैसला कर लेता है ना कि अब इसका हाथ तब्दील हो जाए, इधर वी लूज इट, या तो हम उसे खो देते हैं और गो फॉर अ चेंज, या हम किसी तब्दीली की तरफ जाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जब तक हमारे हक में फैसला किया होता है हम उस चीज़ पर काबिज़ रहते हैं, लेकिन जो ही अल्लाह ताला का फैसला बदलता है तो हमारी भी ख्वाहिशात और हमारी वो सोच भी बदल जाती है। इन इधर केस दोबारा अगर इस मामले को देखें, वी लूज इट, हम खो देते हैं, एंड समवन एल्स में गेट इट, और कोई और उसे ले लेता है। ये आप अभी नहीं समझेंगे, ये वेटिंग फॉर गॉडो की बात है कि अगर किसी को कोई जूता तंग होता है तो वो जूता छोड़ देता है कि चलो जी कोई दूसरा आके लेगा,
ये फिर हम उसके लिए छोड़ देते हैं। यानी अगर आपने किसी ऐसे शख्स को देखा कि जिसके पास कोई चीज़ थी जिसको उसने गुम हो गई उसके हाथों, तो वो किसी और को मिल जाते हैं। वो होता ही है ना कि जो खोई हुई चीज़ें किसी और को फ़ायदा दे देती है, किसी की खो गई किसी को मिल गई। जैसे वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी इज नेवर लॉस्ट, असल में मौका नहीं खोना चाहिए। द अदर फेलो टेक्स दिस, और दूसरे जो फेलो हैं वो मौके से फ़ायदा उठा भी लेते हैं। इस तरह से ही बात चलती है ना। ये एक से बिल क्लिंटन से पूछा एक न्यूज़कास्टर ने कि बात बताएं ना आप इतनी प्रोग्रेस आपने कैसे की। उसने कहा मैं बात बात में बताता हूँ, पहले तुम ये चेक रख लो। उसने कहा कि ये चेक मुझे नहीं रखना, मैं नहीं चाहती मैं रखूँ, ये पूरा ऑन ईयर शो जा रहा है, मैं नहीं रखूँगी ये चेक, ना ना ना। तो फिर उसने कहा कि तुमने मौका खो दिया, मैंने तुम्हें चेक दिया सबके सामने, लेकिन मैंने कभी मौका नहीं खोया है। वो इस तरह की बातें हैं जनाब, हमें भी मौका नहीं खोना चाहिए क्योंकि कोई और इसका फ़ायदा उठा लेता है। वन मैंस लूज, एक आदमी लूज कर देता है, खो देता है, इज अनदर मैंस गेम, तो कोई दूसरा ले लेता है। एज इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, वन मैंस मीट, एक आदमी के लिए जो गोश्त है, अनदर मैंस पॉइजन, तो वही गोश्त दूसरे शख्स के लिए जहर भी बन जाता है। अगर एक शख्स जो है वो गोश्त खाने की कोशिशों में है तो वो कहता है भाई मैं गोश्त खा के सेहत लूंगा, लेकिन दूसरा उसको मना किया डॉक्टर ने तो वो उसके लिए जहर बन जाएगा। When do we speak and when do we don't? हमें कब बोलते हैं, हम कब बोलते हैं और कब नहीं बोलते हैं? It appears, ये उसने लास्ट में बताया ना, हमें आखिरी लाइन में बताया उसने, a time to keep silence and a time to speak, वक्त पर जुबान खोलो। It appears, ये क्या बताता है? That we speak, हम बोलते हैं, when we want to, जब हम बोलना चाहते हैं, we don't, हम नहीं बोलते हैं, when we don't, जब हम बोलना नहीं चाहते हैं। Man's has perhaps a little role to play in his actions, आदमी को चाहिए कि वो अच्छा किरदार अदा करे अपने अमाल में। However, हत्ता के इस्लाम teaches, इस्लाम भी तो हमें यही दरस देता है, that man is responsible, के आदमी जिम्मेदार है for every word he speaks in his life, उन तमाम अल्फाज का, हर एक लफ्ज का जो वो अपनी जिंदगी में बोलता है। He has been to directed, उसको तो हदायत दी जाती हैं, when to speak, कब बोलता है, जब वो बोलता है, and when to keep silence, कि जब उसे खामोशी रखनी है। हदायत मिलती है ना हमें हमारे दीन से भी कि खामोशी जो है वो कई चीज़ों से बेहतर है, और इसी तरह से वो बताना चाह रही है कि भाई जनाब आपने जब मौका महल देखना है उस तरह से ही बोलना है, मौका महल के बगैर बात नहीं करनी है। अब यूज़ ऑफ टंग, हमारी जो ज़ुबान है, इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर सोसाइटी, हमारी ज़ुबान हमारे माशरे में बड़ा एक हकीकी किस्म का मकाम रखती है। वो कहते हैं ना ज़ुबान अपनी काबू में रखें तो कितनी चीज़ें आप हासिल कर लेते हैं। खामोशी बेहतर है शोर शराबे से, बट डैट सेंस इज ऑफ यूज़ ऑफ टंग, लेकिन इस लिहाज से, इस एहसास से अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान को, इज़ अ गेन अ गिफ्ट, तो ये अल्लाह ताला का तोहफा बन जाती है, ऑफ गॉड, अल्लाह ताला का, विच ही गिव्स, जो कि वो देता है टू दोज़ उन्हीं को हु शो, जो दिखाता है देयर डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश फॉर इट, इसके लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार जो दिखाता है उसी को ये मौका मिलता है। यानी हर किसी को ये समझ मिलती भी नहीं है कि आप अपनी ज़ुबान पे काबू कर सकें, उसी को ये समझ मिलती है जिसको अल्लाह ताला चाहता है कि इसे समझ देनी है। इसमें शायर ने हमें ट्रुथ दिखाई है, रियलिटीज़ दिखाई हैं, ह्यूमन एफर्ट्स दिखाई हैं। शायर चाहता है कि हमें पता लगना चाहिए कि किस मुकाम को, किस चीज़ को, किस तरीके से हमने कैसे यूज़ करना है। हमें महसूस होना चाहिए कि हमने अच्छाई और बुराई पर कैसे काबू पाना है। एक तो थीम बताया ना उसने कि इंसान एक यूनिवर्सल सिस्टम में बैठा हुआ है, इस सिस्टम के तहत सारी बात चल रही है। और दूसरा थीम उसने बता दिया कि ये सारी की सारी जो है प्लानिंग गॉड की है, अल्लाह ताला ने ये सब ऑलरेडी प्लान कर दिया है जो हम आज इस पर अमल पैरा हो रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर आवर चैनल एंड वॉच द प्ले लिस्ट ऑफ आवर चैनल and see the link which is appearing now.